जेनेसिस क्लासिस के 12 सालों की यात्रा में इस बार का पड़ाव सबसे स्वर्णिम रहा, जिसने पहली बार इतिहास रच दिया। जेनेसिस क्लासेस के 75 विद्यार्थियों ने 720 में से 590 से अधिक अंक लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर स्थित जेनेसिस क्लासेस में असंख्य अभिभावकों ने जेनेसिस क्लासेस के संचालकों और तमाम शिक्षकों को उनकी इस गौरवमयी उपलब्धि पर बधाई दी। जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र की शाखा में हवन यज्ञ का आयोजन कर विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की गई। आपको बता दें कि गत देर रात मेडिकल कॉलेजों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा नीट का रिजल्ट घोषित किया गया। जेनेसिस के लिए रिजल्ट किसी लॉटरी से कम नहीं था। पहली किरण के साथ जेनेसिस के लिए सफलता की सौगात लेकर आया ये रिजल्ट जेनेसिस के खाते में ऑल इंडिया की 33वीं रैंक जुड़ गई। ये भी सामान्य वर्ग के साथ रही। जेनेसिस के वासु गर्ग ने 720 में से 705 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया 33वीं रैंक प्राप्त की। पहले प्रयास में ही उसने ये सफलता अर्जित की। उसके बाद गुंजन नागपाल 690 अंक प्राप्त कर 390 रैंक और रिदम बिंदल ने 682 अंक प्राप्त कर 634वीं रैंक। ईशिता ने 680 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 741वीं रैंक। आशुषी ने 670 अंक, आदिति धीमान ने 665 अंक, अंजलि गोयल ने 665 अंक, पराग ने 660, मुस्कान मिगलानी ने 655, उदय ने 655, नरेश कौशल ने 650 और आंचल कंबोज ने 646 अंक, पुलकित सिंह ने 646, संचित सचदेवा ने 645, सानिया गांधी ने 640, यशिका ने 636 अंक, शादाब चौधरी ने 635, कृतिका ने 635, ईरा गर्ग ने 635, यशिका ने 631, अर्पण वर्मा ने 630, विजय ने 627, आराध्या कटारिया ने 623, परांग्या कटारिया ने 623, जसवीन कौर ने 610, वंशिका बजाज ने 610, आशीष ने 610, मनु शर्मा ने 609, निष्ठा बजाज ने 606, अंश ने 606 अंक, अश्विनी कुमार ने 603, शीतल देवी ने 600 अंक, अमित ग्रेवाल ने 600 अंक प्राप्त किए। जानकारी देते हुए जेनेसिस क्लासेस के निदेशक जितेंद्र अहलावत तथा नवनीत सिंह ने कहा कि जेनेसिस क्लासेस ने 12 साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी। हम सभी सफल विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। हमने बच्चों के साथ मिलकर सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत की है। इस सफलता के लिए उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। उनके संस्थान से 180 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी, जिसमें से 50 से अधिक बच्चों का 720 में से 590 से अधिक अंक प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से कई बच्चे एम्स सरकारी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। 2 साल पहले अर्चित सैनी के 705 अंक आए थे, उस समय उसकी रैंक 51 थी। इस बार वासु गर्ग ने भी 705 अंक प्राप्त किए हैं। उनके यहाँ बच्चों को तैयारी के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। लोगों को वे धन्यवाद करते हैं, उनके ऊपर सभी ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वे तमाम अभिभावकों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने जेनेसिस क्लासेस पर अपना विश्वास जताया। यही कारण है कि आज जेनेसिस रिजल्ट इतना बेहतर है। जेनेसिस क्लासेस अब सफलता का दूसरा पर्याय बन गया है। उन्हें ये लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने के बजाय अपने शहर में रहकर पढ़ाई करवाना बेहतर लगता है। उनका इससे पहले जेईई मेंस का रिजल्ट भी काफी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एनडीए, केवीपीवाई, एनटीएससी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। जेनेसिस की उपलब्धि क्या है? इन बच्चों की, इनके पेरेंट्स की है। करनाल, कुरुक्षेत्र और जीटी रोड बेल्ट के जितने भी पेरेंट्स ने हम पर भरोसा किया, उन सबकी उपलब्धि है। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि जीटी रोड बेल्ट पर बेस्ट रैंक है, 33 रैंक है वासु वीरेंद्र, 720 में से 705 नंबर है, ऑल इंडिया 33 रैंक, और एम्स दिल्ली मिलेगा। और विश्वास की बात बता रहा हूँ, इसकी मदर से मेरी जब भी बात होती थी, पहले ही मालूम चल गया कि 705 नंबर आने हैं, तो मैं बोलता था 705 पर एम्स नहीं मिलेगा, कहती सर 100% मिलेगा, हमें विश्वास है और एम्स जा रहा है। क्योंकि हमारे पास ही एक बार 51 रैंक आई थी, उसको भी एम्स दिल्ली मिला था, और इनमें से काफ़ी बच्चों को एम्स मिलना है, क्योंकि बहुत सारे एम्स हैं दिल्ली के अलावा भी। इन बच्चों ने करोड़ों रुपये अपने पेरेंट्स के बचा दिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है। जेनेसिस को क्रेडिट जाता है, लेकिन बच्चों का ज़्यादा मेहनत होती है। अगर वो सारा जेनेसिस की मेहनत होती तो 180 के 180 बच्चे क्वालिफाई नहीं करते। तो इनके पेरेंट्स को ही बहुत क्रेडिट जाता है। आजकल जो ये नहीं क्या काफ़ी खाली बच्चा कर रहा है, इनके पेरेंट्स भी इनके रात भर इनके साथ जगे। हाँ, जो जेनेसिस की टीम है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, टीचर्स इधर उधर भागते नहीं है थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में, सब कमिटेड है, और रात के 10-10, 11-11 बजे तक इन बच्चों के साथ रहे, और ये भी रहे। क्योंकि 2 साल का जो 11-12 में बच्चा है ड्रॉपर में है, बीच बीच में टूटता है, 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 18 लाख में से 25-30 हज़ार बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है,
लेकिन मैंने देखा हमारे एवरेज बच्चे भी क्वालिफाई किए हैं। उसका रीज़न रहा कि इनके पेरेंट्स और हम लोग साथ रहे। बीच बीच में डिप्रेशन आया, इनके नंबर कम आते थे लेकिन हम खड़े थे। ये सारे जो अभी हंस रहे हैं ना, इन सबको मैंने रोते हुए देखा है, कई बार रोए हैं पर इनको कंधा दिया है, सपोर्ट किया है, वही इसलिए आज यहाँ पहुँच गए। हाँ, सबका कंबाइंड एफर्ट है, ऐसा नहीं हमारी पूरी टीम का। अभी कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जब इन्होंने जितने टेस्ट पेपर किए, ऐसा नहीं जेनेसिस के कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो भी बढ़िया कर रहे हैं उन सबके टेस्ट पेपर इन्होंने किए, हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे जब इन्होंने पेपर निकलवाए और टेस्ट किए, डेली टेस्ट उन्होंने सॉल्व किए। हाँ, टीचर्स इनके साथ रहे, इनको सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, डाउट्स बताने के लिए। 2023 क्या रहेगा, नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा? देखिए, हम लोग ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, ये सब भगवान के ऊपर है। और मैं सबको ही मैसेज देना चाहूँगा, कर्म करो, जो मिलेगा उसे एक्सेप्ट करो, भगवान का आशीर्वाद है। अगर पहली कर लेंगे हमें एम्स लेना है, हमें इतने नंबर लेकर आने हैं, उस प्रेशर में रहते हैं, जो मिलेगा वो ठीक है, भगवान ने सोचा होगा। अब कुछ बच्चे होते हैं कि भाई हमने मेहनत की 720 वाली, हमारे रह गए 610 नंबर। अरे भगवान ने तेरे लिए वो कॉलेज देखा है ना, हो सकता है तू जिस कॉलेज में जाएगा उसमें तेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया हो। तो बस मेहनत करनी चाहिए, डेली मेहनत करो, उसके बाद खूब जम के सो, दुखी रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। मेरा नाम कौशल नरेश है, मेरे नीट में स्कोर 650 मार्क्स आए हैं और इसका सारा क्रेडिट मैं जेनेसिस क्लासेस को देना चाहूँगा। क्योंकि आप एक तो चीज़ होती है पढ़ने के, पढ़ते हर कोई है और हर पढ़ने में भी आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वो काम करते भी हैं, लेकिन जेनेसिस में अलग चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सिर्फ आपको पढ़ाने के टाइम में गाइडेंस नहीं करते, वो आपको हर चीज़ में लाइफ में जो भी स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, वो हर चीज़ में आपको कोप अप करने में हेल्प करते हैं। दिन के किसी भी टाइम आप उनके पास जा सकते हो। नीट प्रिपरेशन का एक बड़ा पार्ट वो भी है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसमें टीचर्स का जितना हेल्प हो मेरे लिए शायद बहुत हेल्पफुल रहा लास्ट टाइम, इसलिए हो पा रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम गुंजन नागपाल है और मेरा नीट स्कोर 690 है विद ऑल इंडिया रैंक 390, और जेनेसिस क्लासेस का ही सारा क्रेडिट है क्योंकि मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, 4 ईयर स्टूडेंट हूँ और अब मतलब लाइक अ फैमिली बन गया मेरे लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सपोर्ट चाहिए हो, सब मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सर वैसे तो बिना मतलब हमें देखे ही बता देते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है और डायरेक्ट फ़ोन आता है हमारे पास कि अब डीमोटिवेट नहीं होना है, इतना साल का मेहनत है उसको अच्छे से और रंग लाने के लिए जो भी एफर्ट सर का लगा उसके मतलब वो किसी के कंपैरिजन में ही नहीं है। तो मतलब पूरा सपोर्ट रहा है यहाँ से, आपको जितने पेपर सॉल्व करने हैं जिस भी इंस्टीट्यूट के करना है वो सारे पेपर समय कराए गए। आखिरी के 2 महीने में रोज़ टेस्ट, उस टेस्ट का डिस्कशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टेस्ट का डिस्कशन क्लासेस लगाया गया ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे हाथ से ना छूटे। और किसी भी टीचर से अगर हम किसी भी टाइम हेल्प मांगे, चाहे रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, हमेशा दे वर रेडी टू हेल्प अस, तो ये बहुत बड़ी हेल्प थी हमारे लिए। सारा ही सपोर्ट जेनेसिस का है, मैंने बताया ना फैमिली की तरह है, कोई भी मतलब दिक्कत आई हम वहाँ पे गए, हमें उस चीज़ का सोल्यूशन मिला। मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा या इस साल भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर है तो ड्रॉप ईयर में बहुत अप डाउन्स रहते हैं कि इस साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बहुत दिमाग में चलता है, प्रेशर होता है। तो उस सबका सर ने देखा कि कैसे उस चीज़ को काम डाउन करना है और कैसे कंप्लीट करना है प्रोसेस को। मेरा नाम रिदम बिंदल है, मेरा स्कोर नीट में 682 है और ऑल इंडिया रैंक 634 है, इसमें मेरी कैटेगरी रैंक 54 है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जेनेसिस वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है, मेरी फाइनेंशियल भी दिक्कत थी, मेरे को फाइनेंशियल भी सपोर्ट करा है काफ़ी। फीस में मतलब अगर ऐसा नहीं है कि फीस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशराइज करा है कि आपको फीस दो तभी पढ़ो, ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सारा टोटल बिल्कुल एक फैमिलियर सपोर्ट होता है, जैसे बिल्कुल घर वालों की तरह वैसे ही सपोर्ट करा है हमेशा। मतलब कोई भी टेस्ट पेपर करना हो, आपको स्पेस चाहिए हो, आपको टाइम चाहिए हो, कभी भी आप जेनेसिस पर जाओ, वहाँ पर सारा दिन बैठ रहो, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर परेशान करेंगे बिल्कुल भी। वहाँ पर एक अच्छे से आपको ट्रीटमेंट मिलता है कि आपको कब कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप वहाँ बैठ के कोई भी आपको टेस्ट पेपर चाहिए हो, कोई भी मटेरियल चाहिए हो, सब मिलेगा आपको, सब प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर आपको भी इंटरेस्ट दिखाना है साथ में, आपको भी उनके पीछे पढ़ते रहना है कि हमें करना है, अपने अंदर भी जुनून होना चाहिए, उसी से क्लियर होता है। जेनेसिस पे देखो नवनीत सर हैं, जितेंद्र सर हैं, नवनीत सर ने फिजिक्स इतनी इंप्रूव करा दी, मतलब फिजिक्स एकदम प्यारी करा दिया बिल्कुल, कि फिजिक्स मतलब अब हो ही जाएगा, उससे डर लगना ही बंद हो गया था बाद में। जितेंद्र सर थे, जितेंद्र सर ने और वैसे हेल्प करी, स्टडी केमिस्ट्री तो पढ़ाते थे हमें साथ में, कोई भी दिक्कत आती छोटी छोटी हम जितेंद्र सर से शेयर करते थे जाके कि सर हमारे घर पे ये दिक्कत चल रही है, कभी घर पे कोई झगड़े हो रहे हैं उससे बच्चा परेशान हो जाता है घर में, तो वो जाके शेयर करते थे सर से, सर उससे उसमें भी हेल्प करते थे काफ़ी कि परेशान नहीं होना, पेरेंट्स को भी समझाते थे, सब कुछ समझाते थे।
मेरा नाम पुलकित सिंह है, मेरा जो स्कोर आ रहा है वो अराउंड 646 के आसपास है और रैंक मेरी 5200 है। तो मतलब जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आया था मेरे को खुद दिखता था कि इतने कम नंबर आ रहे हैं कैसे होगा, तो मेरा सिर्फ एक काम रहता था जितेंद्र सर, सर आज इतने नंबर आए हैं क्या करूँ, वो कहते थे कुछ नहीं कर, नींद पूरी ले और बस पढ़ता रहे, रोज़ पढ़ता रहे, धीरे 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 अपना स्कोर बढ़ता चला गया, कॉन्फिडेंस आता चला गया, अब इतना अच्छा स्कोर आ गया। जेनेसिस का जितेंद्र सर का पूरा क्रेडिट है इसमें, शायद मुझे नहीं लगता उनकी वजह से मेरे 400 भी आ पाते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वासुदेव गर्ग है एंड मेरा नीट स्कोर 705 है एंड माय ऑल इंडिया रैंक इज 33 एंड मैंने 2 साल जेनेसिस क्लासेस से कोचिंग ली है एंड मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जेनेसिस क्लासेस के साथ। 2 साल में मैंने बहुत कुछ फेस किया, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी फेस करी और काफ़ी बुरी चीज़ें भी, काफ़ी ज़्यादा मैंने स्ट्रेस भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन सर ने मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जेनेसिस क्लासेस के सभी टीचर्स ने, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया हर मोमेंट ऑफ टाइम पे, कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि कुछ भी प्रॉब्लम है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं सर से बात करता था और सर ने मेरे को मतलब हर मोमेंट पे ऐसा फील कराया कि जैसे मतलब मैं घर पे ही हूँ हमेशा, मतलब कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम है मेरे को। क्रेडिट जाता है जेनेसिस को, पूरा क्रेडिट जेनेसिस क्लासेस को जाता है क्योंकि उनकी ही मेहनत है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जो जेनेसिस से आने से पहले बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी कि बच्चे के इतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बच्चे की मेहनत और फिर जितेंद्र सर का मोटिवेशनल, वो डेली कहते थे कि कम से कम 5-6 घंटे तो कम से कम पढ़ो और जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ पेपर कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए। बस मुझे नहीं लगता है, जैसे बड़े बड़े नाम है आकाश है और एलन वगैरह, इनके से मुकाबले जेनेसिस काफ़ी अच्छा है। जब एडमिशन करवाया फीस स्ट्रक्चर भी महंगा है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ नहीं है? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली इजिली अफोर्ड कर सकती है, ज़्यादा फीस नहीं है, छोटे शहरों के लिए तो यही कोटा हो गया है छोटे शहर। जी आपका बेटा क्या बनने वाला है, पता क्या जी? हाँ, डॉक्टर बनने वाला है मेरा बेटा, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि मेरा बेटा डॉक्टर बना है और सबसे ज़्यादा मैं जेनेसिस का शुक्र करती हूँ क्योंकि यहाँ पे आके जो मेरे बेटे ने किया है वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।